तो आज हमारे साथ हैं आपकी कंप्यूटर वाली श्रुति मैम, और आज हम इनकी फिजिक्स की नॉलेज चेक करने वाले हैं। इनको ये नहीं मारेंगे, नहीं चिंता मत करिए, इस रॉड से चेक करेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास इस रॉड का कितनी जल्दी ढूंढ पाती हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ढूंढने का मतलब है, द्रव्यमान केंद्र ढूंढने का मतलब है कि इसको इनको अपने हाथ पे बैलेंस करना है। ठीक है, एक उंगली दो उंगली कितना भी यूज़ करके यू बैलेंस कर सकती है। देखते हैं कितना समय लेती है। 5 सेकंड समय मैं इनको दे रहा हूँ। ये देखिए अंगूठा लगा करके और स्टार्ट करते हैं। अंगूठा हटाइए भैया। हाँ अब पहले चलिए, एक दो तीन, फिर अंगूठा लग गया आपका, चार पाँच छ सात आठ, बैलेंस करना है क्योंकि हम बताते हैं स्लीपी स्लीप बहुत है। ज्यादा था। हाँ वही स्लीपी है। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड्स आई थिंक। 2 सेकंड है ना। हाँ इसके पीछे सीधा सा कॉन्सेप्ट है द्रव्यमान केंद्र का। आप द्रव्यमान केंद्र को जितनी जल्दी ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी बैलेंस हो जाए। जब दोनों तरफ से अपना हाथ स्लाइड करते हैं तो होता क्या है कि जिस तरफ वेट ज्यादा होता है उस तरफ घर्षण बल बढ़ जाता है, तो वहां फिसलना रुक जाता है, तो दूसरी उंगली फिसलने लगती है। जब इधर वेट बढ़ता है तो ये उंगली रुक जाती है और ये उंगली फिसलने लगती है। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें द्रव्यमान केंद्र ढूंढने के पीछे घर्षण बल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वीडियोस यूट्यूब पे बहुत मिल जाती है लेकिन पीछे का रीजन लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना रीजन एक्सप्लेन करने के साथ वीडियो बनाई जाए।